Hi friends, hello and welcome everyone to my channel Rediscover Pompeii, and wishing you all a belated happy Diwali, a belated happy Bhai Dooj and happy Chhath Puja. So thank you so much everyone for staying up with me and subscribing to my channel. अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड अबाउट माय अपकमिंग वीडियोस एंड यस इफ़ यू लाइक माय वीडियोस सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर देम टू. तो आज का हमारा वीडियो है गैजेट्स के बारे में. नहीं, ये कोई वैसे प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल मेरा अपना व्लॉगिंग किट है जिसे मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट. तो मैंने सोचा कि अगर मैं इन्हें अनबॉक्सिंग कर रही हूँ तो फिर अकेले नहीं, मैं आप सबके सामने मैं ये अनबॉक्स करती हूँ. तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है. लेकिन मैं पहले आपको बता दूँ कि इसमें एक ब्लॉगिंग कैमरा है जो कि बेसिकली एक एक्शन कैमरा भी है, और एक सेकेंड थिंग इज़ एक LED रिंग लाइट है अलॉन्ग विथ ट्राईपॉड स्टैंड और एक वायर्ड माइक्रोफोन है. और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैंने सोचा कि अगर इन्हें अनबॉक्स करना ही है तो फिर अकेले नहीं, आप सबके सामने इन्हें अनबॉक्स करते हैं. तो चलिए देखते हैं एक एक करके व्हाट कम्स आउट ऑफ द बॉक्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू अनबॉक्स दिस GoPro Max. दिस इज द सेकेंड लास्ट एडिशन ऑफ GoPro एंड नाउ वी विल अनबॉक्स दिस. मैंने प्लास्टिक के रैप को निकाल लिया है. नाउ वी कैन सी द बॉक्स. इट कम्स विद दिस वारंटी एंड यू कैन एक्सटेंड दिस वारंटी अप टू 2 years आफ्टर रजिस्टरिंग टू दिस. सो हाउ टू अनबॉक्स दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने दुकान में शॉप में इसको खोला था. सो दे हैव रीसील्ड द बॉक्स. अदरवाइज इफ़ यू परचेज इट ऑनलाइन सो यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस सील इज़ इंटैक्ट एंड दिस सील इज़ नॉट ब्रोकन. So first of all, we need to open this carefully, and here comes the beauty. तो सबसे पहले हम इसको इस box से, इस stand से हम इसको unscrew करेंगे. And you have to handle it very carefully. So once it is out, you can take it off very easily. You can keep this. This is the stand where एक बार कैमरा यूज़ होने लगे उसके बाद भी आप इसको बिल्कुल इंटैक्ट रखिएगा एंड डोंट थ्रो इट आउट, क्योंकि इसको कैमरा रखने के लिए बार बार यू विल नीड इट. सो सबसे पहले मैं इस स्टिकर को आई रिमूव इट एंड हियर इट इज. कैन आप इसको बंद कर सकते हैं एंड वी हैव दिस. सो दिस कैमरा, नाउ आई एक्सप्लेन यू द फीचर्स. लेकिन सबसे पहले आई विल सी व्हाट आर द अदर कंटेंट्स इन दिस बॉक्स. सो आई विल टेक इट ऑफ. हियर आर द वारंटी कार्ड्स. वी गेट 1 year वारंटी ऑन बॉक्स एंड आफ्टर यू परचेज दिस इफ़ यू आर रजिस्टरिंग योर सेल्फ टू दिस लिंक देन आपका वारंटी जो है वो 1 साल का और इंक्रीज हो जाता है. एंड व्हाट नेक्स्ट वी कैन सी. ओके, सो दिस इज where you can subscribe yourself and with this you can get much more discounts on the GoPro accessories and other informations about what are the new launches in GoPro. Please read them all carefully so that you can know all the details. कैसे 2 years का ये extend किया जाता है वो इसके warranty card के पीछे all the details are already given over here. Now we'll see what's there inside the box. So सबसे पहले मैं इसको वापस इस स्क्रू को इसके जगह पे रख दूँगी. So now let's see in this box there are 2 compartments. In this first compartment we can see here comes a pouch. Actually shop में हम लोगों को काफ़ी explain कर दिया था. So you need to know, you need to buy it from a very registered shop so that जो लोग GoPro के registered sellers हैं they can explain you what all accessories are coming and how to use it and where to fit it with a very careful, with proper care.
तो ये है ये कैमरा के लेंसेज, ये है GoPro के लेंसेज विच यू विल नीड. आई एम गोइंग टू शो इट टू यू. दिस इज़ अ पाउच विच यू कैन कैरी द GoPro वाइल ट्रैवलिंग. एंड देन वी हैव दिस केबल. दिस इज़ द चार्जिंग केबल. दिस इज़ ओनली मेंट फॉर GoPro. सो आई सजेस्ट यू डू नॉट यूज़ एनी अदर केबल सो दैट ताकि उसका जो पोर्ट है वो ख़राब ना हो जाए. मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाती हूँ उसका पोर्ट कैसा है. सो दीज आर द लेंस बॉक्स, व्हाट ऑल थिंग्स कम, और ये है इसका स्टैंड. एंड हियर इज़ द सेकेंड कंपार्टमेंट. एंड आई कैन फाइंड हियर, यहाँ पे कुछ मैनुअल्स है जो विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. GoPro यूज़ करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग देम वेरी प्रॉपरली, ताकि आपको इनके बारे में, इसके यूजेज के बारे में, इसको सब कुछ अच्छे से पता चले. दिस इज़ हाउ दे आर गाइडिंग यू फॉर हाउ GoPro कैन हेल्प यू टू फॉर द क्लाउड स्टोरेज, अनलिमिटेड स्टोरेज. और इसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा. दिस इज़ द GoPro स्टिकर. यू कैन यूज़ इट वेर एवर यू वॉन्ट, लाइक इफ़ यू हैव अ बिग कैमकॉर्डर, या फिर कुछ अगर कोई और डिवाइस है, या फिर इन योर लैपटॉप्स. दिस इज़ द मैनुअल जहाँ पे आपको कैसे मोबाइल के साथ आपको लिंक करना है, और कैसे आपको सारे स्क्रू अनस्क्रू करना है, और कैसे इसको बैटरी को इंसर्ट करना है, एंड ऑल द सारी इसके जो भी कंपार्टमेंट्स हैं कैसे है, दे विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. और ये भी है, ये लेंस की यूजेज कैसे करने हैं, लेंस के बारे में है. दिस इज़ कॉल्ड मैक्स प्रोटेक्टिव लेंसेज. एंड दिस इज़ द फाइनल मैनुअल, जिसमें सबसे डिटेल, सबसे ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पे है दिया हुआ, विथ ऑल द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट प्लस सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस. सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग आफ्टर गोइंग थ्रू दिस मैनुअल. बट एज ऑफ नाउ आई विल शो यू व्हाट आर देयर इन द बॉक्स. दिस GoPro Max हैज़ द प्लस पॉइंट, दैट इज इट्स हैविंग टू लेंसेज, वन इज हियर एंड द अदर इज हियर. दिस इज मेंट फॉर 360 डिग्री रिकॉर्डिंग, इसीलिए इसके दोनों लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है. एंड दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर योर वॉइस इज कैप्चर्ड. ये माइक्रोफोन है GoPro का. ये स्क्रीन है, वेन एवर यू शूटिंग इन योर सेल्फी मोड यू कैन सी योर सेल्फ. और अगर आप रियर कैमरा से भी अगर आप रिकॉर्ड करें तो भी आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं. एंड दिस इज़ अ बैटरी स्लॉट, सो इससे वी कैन टेक इट आउट एंड वी कैन ज़रा सा पुश करके यू कैन टेक इट ऑफ. दिस इज़ द बैटरी, हियर कम्स द बैटरी. जो आप अगर ज़्यादा देर के लिए आपको रिकॉर्डिंग करना है, और अगर आप लोग बाहर जा रहे हैं कहीं पे जहाँ पे आपको चार्जिंग का टाइम नहीं मिलेगा, इन दोज केसेस यू कैन बाय ये GoPro का बैटरी जो है, ये भी आपको दूसरा अलग से मिलता है. एंड सो आई पुट इट बैक इन इट्स स्लॉट. सो हियर इज़ द चार्जर. ये चार्जर आपको, यू कैन चार्ज दिस GoPro विथ एनी पावर बैंक. वेन एवर यू ट्रैवलिंग योर आउटसाइड, यू डोंट नीड अ प्रॉपर प्लग पॉइंट. बट येस, यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसी कॉर्ड को यूज़ करें, बिकॉज दिस इज़ फॉर GoPro ओनली. सो यू कैन, वी हैव टू पुट इट हियर, पुट इट इन. सो दिस यू कैन यूज़ इन एनी पावर बैंक. दिस विल चार्ज योर GoPro नाइसली. सो दिस इज़ डन एंड आई विल टेक इट ऑफ. एंड हियर कम्स द मेमोरी कार्ड स्लॉट. आई होप यू ऑल कैन सी दिस. दिस इज़ अ मेमोरी कार्ड स्लॉट. तो मैंने GoPro के लिए मैंने ये मेमोरी कार्ड परचेज किया है. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ मेनली मेंट फॉर द ब्लॉगिंग. सो इफ़ यू आर परचेजिंग अ GoPro, सो ट्राई टू परचेज दिस काइंड ऑफ SD कार्ड, बिकॉज इट इज़ अ फास्ट. एंड दिस इज ऑल्सो यूज फॉर, इफ यू कैन सी हियर, इट्स यूज फॉर ड्रोन कैमराज एंड 4K. सो फॉर शूटिंग पर्पजेज दिस SD कार्ड इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. So I'll close it carefully again, push it, close it and lock it. So this is done. Now we'll see the other parts. This is the point, power point, where you can switch it on and off. This is the mode button. After switching it on, you have to use this switch
to change the options. Or ye hai, this is the stand which you have to fit with the GoPro selfie sticks or GoPro tripods. Usko set karne ke liye this screw will be needed. As of now, the manual unboxing is done, and finally I'll show it to you how the lenses I'll use. So these are the two lenses jo lens ko cover karne ke liye hame chahiye. So first I'll unwrap it, and you have to put it here. So I'll carefully place this. Yes, so one is done and the other one. So while shooting, you have to make very sure that these lenses are put, kyunki ye lenses ye jo lens covers hain ye camera ke original lenses ko save karega, protect karega, and aapka jo original lens hai wo crack hone se ya fir scratch hone se bach jayega. And here we have these lens caps. Let's suppose whenever you are not using, jab aap use nahi kar rahe hain, so if you are not using this, so you can put this lens caps easily, you can keep them closed. This is, and here we can put the lens covers. So agar hum use isko bilkul nahi kar rahe hain, jab bhi use mein nahi hai, so don't forget to put them, to cover them with this lens covers. This will protect your camera. So ye ho gaya hamare user manuals. So whenever your camera is not in use, you can put it back to the this stand. And also in this box you can see it's mentioned ki aap isko nikalna kaise, aapko ise nikalna kaise hai. So you can lift it to remove it, it's written how to remove it. So if you can, you can just lift it like this slowly. There are two clips here, you can just push it a little and this comes out. Now you can mount it. So to mount it, as we have shown it to you, to put it back to its position, hum iska stand jo hai isko hum open kar lenge. We will keep this, we will place it like this, and we have to put it back. Ek cheez aap logo ko main bata dun before ending this video, that its body is made up of rubber. To ye dekhne mein aapko thoda sa coarse texture lagega, but it's not glossy because they had to make its body very sturdy. So although you can find it sometimes little coarse, the texture little coarse or thoda sa rough, lekin iska jo body hai ye kafi sturdy hai, ye thoda rubber finish hai. For regular use you need to buy a GoPro cover also. So we'll be back very soon with our next video of how to use GoPro for your shooting. Now we will unbox this microphone. This is an external microphone, and I have purchased it online, but the same thing you can buy it from any showroom also. So we call it a lavalier microphone. Ye is pouch ke sath aata hai, and you can find the user manuals over here. Isme kya kya matlab isme sare instructions diye gaye hain, you can read it. It already mentions that we have 1x M1 lavalier microphone, foam windscreen, clothing clip, velcro, battery, carrying case, and user manual. So here we can see the pouch, and we will now take off whatever our things are there in the pouch. So pouch mein hum dekh sakte hain ki yahan pe kuch accessories hain. Here is the microphone wire jo main hai. This is the 1x M1 lavalier microphone. ये जो है ये ओमनी डायरेक्शनल है, ये किसी भी डायरेक्शन से साउंड को पिकअप कर सकता है, और ये कैप्सूल जो है ये कैप्सूल के ऊपर से साउंड कैप्चर होता है. दिस इज़ अ पावर पैक, इट प्रोवाइड्स पावर फॉर द माइक्रोफोन फॉर यूज़ विद द कैमराज एंड अदर डिवाइसेस रिक्वायरिंग बाय अ पावर पैक. अगर आप मोबाइल के अलावा अगर कोई और डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी. यू कैन सी हियर इट्स रिटन कैमराज, देयर आर ऑप्शंस लाइक कैमराज एंड स्मार्टफोन्स. सो मैं अभी फ़िलहाल स्मार्टफोन के साथ यूज़ करूँगी, इसीलिए मैंने इसको हटाया नहीं है. लेकिन अगर आप इसको कैमरा के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन स्विच इट ऑन टू कैमरा मोड. ये कैमराज ही नहीं, ये एक्सटर्नल कोई भी और अगर डिवाइस, ये अगर कोई और डिवाइस है लाइक यू आर यूजिंग इट विथ योर लैपटॉप और कैमकॉर्डर्स और पीसीज, तो फिर आपको इसके साथ यूज़ करना पड़ेगा. देयर इज़ अ वे वेयर यू कैन हुक इट अप, और इस
इसको अगर आप स्मार्टफोन के अलावा अगर कोई और डिवाइसेस के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको ओपन करके इसके अंदर देयर इज़ अ बैटरी स्लॉट इन हियर, तो बैटरी यहाँ पे दी हुई है जो हम इस बैटरी को यूज़ करेंगे. दिस इज़ द हुक, जो ये क्लिप है, दिस इज़ द जैक, और यहाँ पर जो विंड फोम है, ये विंड फोम आप कभी भी जब माइक्रोफोन को यूज़ करें, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप इस विंड फोम को ज़रूर यूज़ करें. इससे घर के अंदर अगर इंटरनल भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं घर पर और या फिर बाहर, तो ये विंड के नॉइज़ को काफ़ी उससे प्रोटेक्ट करता है आपकी रिकॉर्डिंग को. एंड फाइनल मोस्ट, दिस इज़ द बैटरी विच यू कैन इंसर्ट. आप इसके अंदर ये बैटरी स्लॉट में आप सही पोल डायरेक्शन में आप इसको इंसर्ट करें. आफ्टर इंसर्टिंग यू कैन क्लोज इट. इसके बाद आप इसको कैमरा मोड पे ले आएं ताकि आप किसी भी बड़े डिवाइस के साथ आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. इससे इसका पावर काफ़ी बढ़ जाएगा, साउंड कैप्चरिंग का जो इसका पावर है ये काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा. नाउ वी हैव दिस 3.5 mm कनेक्टर. अगर आप मोबाइल के सिवा, अगर आप किसी स्मार्टफोन के सिवा, अगर आप किसी और डिवाइस के साथ अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें ये कनेक्ट कर सकते हैं. ये कनेक्ट करके आप इसको लैपटॉप में इंसर्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ हियर, यू कैन पुट दिस इन दिस माइक. ये विंड फोम को आपको थोड़ा केयरफुली, लेकिन आप इसको, हमें इसको ऐसे कवर कर देना है ताकि रिकॉर्डिंग, योर रिकॉर्डिंग इज़ डन नाइसली विदाउट एनी एक्सटर्नल नॉइज़ या फिर विंड या फिर वैसी किसी साउंड से इसका नॉइज़ हम कवर कर दें. दिस इज़ इट. सो दिस लुक्स नाइस. अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको लगाना कैसे है. दिस इज़ द वन, और हमें इसको, ये जो है, ये हमें जो दिख रहा है क्लिप है, ये क्लिप को हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है. सो यू कैन जस्ट क्लिप इट. नाउ यू कैन पुट इट इन योर कॉलर. तो आपको ये ध्यान में रखना है, अपने माउथ से 8 inch की, कम से कम 8 inch की दूरी पर रखना है ताकि बहुत ज़्यादा आपकी ब्रीदिंग नॉइजेस या फिर उसको कैप्चर ना करें. सो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट एंड अ कूल किट. तो इसको अगर आप, दिस इज़ ऑफकोर्स विथ अ वायर, सो इट इज़ कमिंग विथ अ 6 meter. ये 6 meter की दूरी तक आप आराम से इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी डिवाइस के साथ कनेक्ट करके. यू कैन क्लिप इट. ये जो है, ये जो गोल्ड जैक है, 3.5 mm का गोल्ड जैक है. यू कैन पुट इट इंसर्ट इट इन योर डिवाइस एंड यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस फ्रॉम 6 meter डिस्टेंस ऑल्सो. ये पावर प्लग को ऑन कर लेना मत भूलना. मैं आपको और भी ज़्यादा इसको यूज़ करने के बाद अगली वीडियो में इसका भी एक रिव्यू बताऊँगी कि वैन, how it is, what are the pros and cons after using this device. Now my last but not the least, let's jump to my last accessory that I have purchased for my vlogging. तो अब हम इस बॉक्स को अनपैक करेंगे और बॉक्स के अंदर क्या क्या कॉन्टेंट्स है ये मैं आपको बता देती हूँ. जैसा लिखा है, इट्स एन LED रिंग लाइट कॉम्बो पैक विथ 5 feet लाइट स्टैंड. और इसका जो पावर आउटपुट है ये 25 watt का है. और जैसा पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा है, ये ओवरऑल ऐसा ही दिख रहा है. तो अब मैं पैकेट को पहले ओपन करती हूँ. तो ये है लाइट स्टैंड या ट्राइपॉड स्टैंड. तो इसके सेटिंग्स को हम अभी देखेंगे और साथ में ये जो बॉक्स है इसी के अंदर रिंग लाइट है. तो चलिए सबसे पहले हम लाइट स्टैंड की सेटिंग्स को देखते हैं. ये सबसे पहले यहाँ से ओपन होगा. स्क्रू को लूज करने के बाद स्टैंड को हम एज पर आवर नीड स्ट्रेच कर सकते हैं. तो अब आप देख सकते हैं कि हम इस स्टैंड को मैक्सिमम यहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इतना नहीं चाहिए तो हम इसको छोटा भी रख सकते हैं. मुझे यही तक चाहिए क्योंकि ये एवरेज पोजीशन है और जनरल यूज के लिए यही सही है. तो अब मैं साइड वाइज स्क्रू से इसको लॉक कर दूंगी. अब इसके जो क्लिप्स हमें दिख रहे हैं, यहाँ से स्टैंड रॉड को अपवर्ड एक्सपैंड किया जा सकता है एंड दिस कैन बी एक्सपैंडेड अप टू 5 feet. तो जब इसकी जरूरत खत्म हो जाए इसको वापस होल्ड एंड लॉक करके हम रख सकते हैं.
अब हम देखेंगे कि रिंग लाइट को स्टैंड पे फिट कैसे करना है। इस पैकेट के अंदर है एलईडी रिंग लाइट और इसके फिटिंग पार्ट्स। तो पहले मैं स्टैंड के ऊपर इसको प्लेस कर रही हूँ और अब स्क्रू से इसको फिट कर देती हूँ। अब आपको ये जो रिल दिख रहा है यह 180 डिग्री टिल्ट हो सकता है। अब रिंग लाइट को हम फाइनली स्टैंड के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये लाइट तो लग चुका है लेकिन कहीं से ये लूज तो नहीं रह गया, इसलिए सारे फिटिंग्स को एक बार डबल चेक कर लेना बहुत जरूरी है। ये जो आप देख रहे हैं ये मोबाइल या कैमरा होल्डर है, तो आप इसको अपने जरूरत के एंगल के हिसाब से बेंड भी कर सकते हैं और घुमा भी सकते हैं। लेकिन अगर पूरे रिंग के साथ आप इसे झुकाना चाहते हैं तो स्क्रू से फिटिंग्स को टाइट या लूज करना पड़ेगा। ये जो व्हील दिख रहा है आपको, इसकी वजह से ये लाइट 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। और इसके पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वॉल माउंटिंग के लिए स्क्रू होल भी है। इसका मतलब आप बिना स्टैंड के इसे वॉल पर फिट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है मेरा फ़ोन जिसे अब मैं इस होल्डर पे प्लेस करूँगी। अब ये जो एलईडी रिंग लाइट है इसके कलर टेम्परेचर को आप 3 अलग अलग मोड्स में चेंज कर सकते हैं। तो ये है इसका वायर, ये है इसका रिमोट और ये रहा इसका यूएसबी केबल। इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। इसे आप किसी भी डिवाइस, चार्जर या पावर बैंक से कनेक्ट करेंगे तो स्विच ऑन कर सकते हैं। तो अब मैं इसको ऑन करके भी दिखाती हूँ। ये जो है ये यूएसबी को मैं अपने पावर बैंक से कनेक्ट कर दूंगी। नाउ यू कैन सी, अब ये रिमोट है। आप रिमोट में देख सकते हैं कनेक्ट करते ही, पावर बैंक में कनेक्ट करते ही ये यहाँ पे लाइट ऑन हो चुका है। अब हम इसको, नाउ यू कैन सी ये ऑन हो गया। अब आप इसके पावर बटन्स को देख सकते हैं, पावर बटन्स को देख सकते हैं। इससे आप बढ़ा सकते हैं, इससे आप मोड चेंज कर सकते हैं, इससे स्विच ऑन स्विच ऑफ है और इससे आप रिड्यूस कर सकते हैं उसके पावर को। तो मैं इसके पावर को पहले रिड्यूस कर देती हूँ। सो आप इसको घटा भी सकते हैं और आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। ये जो है सेकंड बटन, इससे आप इसके मोड को चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग 3 अलग अलग कलर में आता है। दिस इज़ वार्म, दिस इज़ कूल एंड दिस इज़ नॉर्मल वाइट। तो ये जो है ये वार्म सबसे ज़्यादा, ये येलोइश वाइट है। अगर आपको थोड़ा येलोइश या फिर गोल्डन अगर लाइट में चाहिए तो, अगर आपको बिल्कुल वाइट लाइट चाहिए दिस इज़ द कोल्ड मोड एंड दिस इज एवरेज। सो ये है इसके बटन्स एंड यू कैन ईजिली स्विच इट ऑफ फ्रॉम हियर। डे लाइट में एलईडी रिंग लाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर घर में थोड़ा सा भी आपको लाइट की कमी है तो फिर यू कैन यूज दिस रिंग लाइट। एंड ऑल्सो सिर्फ लाइट के लिए ही नहीं, दिस वर्क्स वेरी गुड, इट्स वेरी यूजफुल एज अ स्टैंड ऑल्सो। And this is the simplest of all, but very useful. क्योंकि अगर मुझे लाइट की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है तो भी इट हेल्प्स मी एज अ मोबाइल होल्डर और या फिर कैमरा होल्डर। इसीलिए इसका स्टैंड बहुत स्टर्डी है, इट्स वेरी स्टर्डी। यू कैन सी ये बहुत ही मजबूत है और यू कैन नैरो इट डाउन ऑल्सो। अगर आप बहुत ही छोटी सी जगह में इसको रख के करना चाहते हैं तो भी यू कैन जस्ट लूज इन दिस स्क्रू और उसको बिल्कुल नैरो आप करके, बिल्कुल छोटा करके इसको स्टैंड, और या फिर अगर आप बहुत सी बड़े जगह पे एंड इफ योर वेट इज़, अगर इस पे आपका अगर वज़न ज़्यादा है, अगर आपका फ़ोन ज़्यादा हैवी है या फिर अगर टिल्ट करने के बाद इसका वज़न ज़्यादा थोड़ा इस पे प्रेशर पड़ता है, देन यू कैन स्ट्रेच इट, यू कैन मेक इट बिग। ये काफ़ी हद तक ही वेट ले भी सकता है। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। तो ये था मेरा आज का वीडियो अबाउट अनबॉक्सिंग माई व्लॉगिंग किट, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मेरे अगले वीडियो में ये सारे डिवाइसेस को यूज़ कैसे करते हैं, इन प्रोडक्ट्स के फीचर्स और डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, और साथ ही साथ मेरा रिव्यूज़ और फीडबैक्स क्या है इनके बारे में मैं सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बताऊँगी। तो अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं
तो वो देखते रहिए, बहुत जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।